एक दो वीडियो पहले दिखाया था ना, ख़राब हो गई थी, अब ठीक हो गई है। तो ठीक करने के बाद चेकिंग करेंगे आज इसकी कि सही में अच्छे से ठीक हुई है कि नहीं। पापा तो कह रहे हैं मैंने टेस्ट किया था कि हो गई है ठीक, बट मेरे हाथों से भी टेस्ट होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम पता क्या थी, पूरा आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते थे, मतलब यानी पूरा थ्रॉटल आप दे नहीं सकते हो। दे दिया तो फिर वो अड़ा रह जा रहा था, अब दिया जा रहा है। अभी तुम्हारे को दिखाया था, मैं फिर दिखाता हूँ। ये ठीक है कि सेकंड गियर मैंने पहले में तो शायद उड़ जाती है, फिर शायद इतनी ताकतवर भी नहीं है, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये देखो फिर देखो। ये चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलने में तो कोई भी दिक्कत नहीं थी पहले भी, बस रेस में ही थोड़ा प्रॉब्लम था। मैंने पोल्स दे के तुम्हें दिखा दिया है कि कैसा कैसा हो रहा है, कैसे कैसे रिएक्ट कर रही है। वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसा कि हम चाहते हैं, और एब्सोल्युटली बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट कर रही है। बाकी थोड़े बहुत पोल्स यहाँ पर भी करके देख लेते हैं, खुली स्पेस है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, और सेफ भी है सभी के लिए। पुल तो नहीं टेस्ट हो पाया हमारा जैसे मैं सोच रहा था। मुझे पता है कि उतना सही से टेस्ट करने का तरीका नहीं है ये, बट फिर भी उतनी जगह भी नहीं है यहाँ पर। और इस वाले इसमें फ़ायदा ये है कि आपने सीधे स्टैंड पर खड़ी करी, और वैसे भी मेरे को तो थ्रॉटल टेस्ट करना था ना। पुल तो वैसे सही कर रही है, इंजन भी मतलब सही काम करता है इसका, और तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस रेस अड़ जा रही थी वहीं पर। तो रेस सही है, पूरा घुमा कर मैंने इसलिए देखा क्योंकि मैकेनिकली सिंपथेटिक हूँ मैं थोड़ा मशीन्स की तरफ ना, मतलब इंजन्स की तरफ स्पेशली। तो मुझे पसंद नहीं है बिना मतलब के घें घें करना। जब तेज़ चलानी तब तो पता ही है कि आपको तेज़ पुल करना है, मतलब तेज़ खींचनी पड़ेगी, पूरा टू द रेवलीमीटर ले जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो कोई लोड नहीं थी और इसीलिए मैंने किया भी नहीं। पापा ने टेस्ट कर लिया था, मैंने भी थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया, बीच रास्ते में भी तुम्हारे को दिखाया था थोड़े बहुत पुल्स करके, उतने में अड़ जाती थी ये, अब नहीं अड़ रही है। यहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत करके देख लिया, बाकी अब हेडलाइट वगैरह का थोड़ा सा था वो भी चेक कर लेते हैं। और ये है मेरा मतलब मैकेनिकली सिंपथेटिक होने से, मतलब मुझे पता है कि ऐसे पानी डाल के इंजन कोई ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाएगा, बट फिर भी पता नहीं दिल को एक अलग सी शांति मिलती है, यानी ब्रेन अलग टाइप का केमिकल रिलीज़ करता है कि हाँ ये तेरी बाइक के लिए अच्छा है तो तू ये करेगा तो शायद तुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो कि मुझे लग रहा है। हेडलाइट देखे चल रही है, पहले फ्लिकर भी कर रही थी काफ़ी ज़्यादा मतलब बीच बीच में तो एक बार तो बंद ही हो जा रही थी,
फिर बैटरी चेक कराई, बैटरी थोड़ी सी ख़राब हुई थी, बाकी जहाँ से प्लग्स को कनेक्ट किया जाता है वो भी थोड़ा सा ख़राब था, मतलब कार्बन कोर्बन आ गई थी ऐसा बताया जा रहा था, तो करके वो फिक्र करनी थी, लेकिन अब एकदम बढ़िया। अब इंडिकेटर भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब इसका कुछ और सही हो जाता ना तो कुछ और ना कुछ ख़राब ज़रूर हो जाता है। सही है, ये वाला भी सही है। ए, बंद मत होइयो। सही है, पिछली वाली साइड भी एक बार चेक कर ली जाए। ओके नाइस, लेफ्ट वाला बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेल लाइट। अरे वाह, बॉर पुल्स करने की जगह नहीं है यहाँ पर, होती भी तो वहाँ पर ट्रैफिक होता, जैसे कि ये सामने वाली रोड जा रही है ना, लंबे वाली हाईवे ही है ये, तो काफ़ी ठीक ठाक ट्रैफिक होता है, मतलब है ना सतर्क रह के चलना पड़ता है, क्योंकि हाई स्पीड से चल रहे होते हैं, और फिर हाई स्पीड के ऊपर मैं यहाँ पे ऐसे घुमा रहा हूँ और इधर ये पकड़ा हुआ, तो भाई पक्का ठकूँगा। कोई शौक नहीं है मेरे को उसका, हो गया मेरे को विश्वास कि ठीक चल रही है रेस। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को भी हो गया होगा विश्वास देख के कि ठीक चल रही है, क्योंकि तुमने देखा था कि उस दिन क्या हुआ था हमारे साथ, जुगाड़ भी हमने पूछा था कि कैसे ठीक करना है, और मुझे याद है कैसे ठीक करना है, पर जैसे मतलब मैकेनिक ने फिक्स करके दी है वैसे तो नहीं आता मुझे करना, मतलब काम चलाने लायक हो जाएगा। वैसे पापा बता रहे थे कि तार तूर टूटी हुई थी इसकी, तो करके प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं तो वैसे तो सब सही था, जहाँ से टाइट ट्विट करके दिया था ना, मतलब वीडियो में अंकल ने दिखाया था उस वाली पुरानी वाली वीडियो में, वो वाला पार्ट सही था वहाँ से, मतलब जब अपने वाले मैकेनिक ने अपने शहर में देखा तो। पर उम्मीद करता हूँ सही लगा होगा देखने में आज वाला वीडियो, और सही लगा होगा तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं इसी के साथ कल अगली वीडियो पर, बाय।